हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको पेरोल नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को देखने के बाद पेरोल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर एक नई कंपनी हम बनाते हैं और नई कंपनी से ही शुरू करता हूँ कि पेरोल आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे पेरोल की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर पेरोल के नाम से ही या सैलरी के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। ये सैलरी करके लिखेंगे हम यहाँ, और यहाँ पे एंटर करेंगे यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। बाकी यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, तो स्टेट चूज करना कंपलसरी, तो ये स्टेट चूज कर लिया। बाकी पिन कोड वगैरह जो भी आए वो डाल दीजिएगा, लोकल जो आपका एरिया हो उसका नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे एक चार 2022 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक महीना पूरा नहीं होगा और डेट को आगे बढ़ाना होगा, ऐसे में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, और अब क्या करना है, यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये करा लिया हमने एक्सेप्ट, अब यहाँ पर पेरोल को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है मेंटेन पेरोल, तो इस पर जाकर के डबल क्लिक करिएगा, ये यस हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है इनेबल पेरोल स्टेटरी, तो इसको भी यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कंपनी का कोड वगैरह डालना है, जो भी आपके कंपनी का कोड होता है वो सब डालते हुए आगे आ जाइएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 10 रहे, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पे पैन डिडक्टी टाइप क्या है, तो गवर्नमेंट है या अदर्स है वो देखना होगा, तो अदर्स कर देते हैं। और यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल आएगी आपके, तो यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड हो वो डिटेल आप जरूर भर दीजिएगा, और फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया, आप वाउचर में चलते हैं। तो ये आ गया वाउचर में। अब यहाँ पे आपको पेरोल वाउचर दिखेगा नहीं, उससे भी पहले हमें क्या करना है, कंपनी के अंदर कुछ पैसे रिसीव करा लेते हैं। तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ से हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर। ये कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट इस तरीके से, और ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। और यहाँ पर कुछ कैपिटल हम अपने कंपनी में डाल लेते हैं, और ये कैश के रूप में आएगा या बैंक से आएगा ये भी देखना होगा। तो यहाँ पे SBI का एक लेजर बना देता हूँ, अंडर बैंक अकाउंट ये जाएगा। तो ये चला गया अंडर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट जाने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है। तो जो भी बैंक अकाउंट का नंबर हो वो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, ऐसे आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया, तो 60,000 रुपये ये आ गए इसमें, और इसको हमने रिसीव करा लिया। तो अभी हमारे पास ये हो गया है, यहाँ से बाहर आइए, अब चलते हैं पेरोल की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ से अदर वाउचर में जाना है, देखिए यहाँ पे पेरोल आपको एक्टिवेट मिलेगा। अब यहाँ पे अटेंडेंस बनानी होगी, ठीक है। अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय का क्रिएशन करना होगा, तो यहाँ पर दुर्गेश नाम से एक एम्प्लॉय बना लेते हैं। तो ये दुर्गेश लिखा, एंटर किया। यहाँ पे ग्रुप मैंने नहीं बनाया है, नहीं तो यहाँ पे आप अंडर में डाल सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप। फिलहाल हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं, सीधा आ जाते हैं यहाँ पर, और सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है। ऑल्ट सी करके एक पेहेड बनाएंगे हम, सबसे पहले बेसिक सैलरी, ये हो गया बेसिक सैलरी। इस तरीके से एंटर करिए। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है बेसिक सैलरी, आप मैं यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ, आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। और ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा करके फिर एंटर करिए, और यहाँ पर आइए, इसे ऑन अटेंडेंस रखेंगे हम, एंटर करेंगे। लीव विदाउट पे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर एबसेंट का एक हम बना लेंगे पेहेड, ये हो गया। और यहाँ पर ये डेज के हिसाब से कटेगा, और ये तो कैलकुलेशन पीरियड बेसिक सैलरी का मंथली रहेगा, तो यहाँ मंथ करके कैलेंडर पीरियड दे करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब कितनी सैलरी जाएगी वो आपको देनी होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी हो 5,000 रुपये, मैं यहाँ पर समझने के लिए 5,000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5,000 कर दिया ताकि आपको आसानी से कैलकुलेशन समझ में आए, इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर TA देना है, तो ये TA दे दिया हमने, एंटर करेंगे। TA भी अर्निंग ही होता है, ये फिक्स्ड कर सकते हैं या वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो चलिए इस बार फिक्स्ड ही रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये। और यहाँ पर आकर के, और ये जो है कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर आते हैं, ये भी अर्निंग ही होता है, और इसे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे। बेसिक सैलरी पर आएंगे, और अगर बेसिक सैलरी 3,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3,000 तक है, तो कितना मिलेगा, 1% का TA मिलेगा। और 3,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे
5% का TA मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे 3000 से कितना ज्यादा करना है आपको वो लिखना होगा, तो 3000 से चाहे जितना भी ज्यादा हो, ठीक है, तो यहां पे 5% कर देते हैं। तो ये 5% कर दिया, तो ये तो TA तो हो गया हमारा। अब यहां पे कर देते हैं DA यानी डियरनेस अलाउंस, तो ये DA हो गया और ये भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। एंटर करेंगे और यहां पे ऑन ये होगा कंप्यूटेड वैल्यू, तो कंप्यूटेड वैल्यू करके आगे बढ़िए। और ये ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लगाएंगे और ये भी बेसिक सैलरी और इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये भी हो गया। अब पीएफ डिडक्शन होगा, तो यहां पे पीएफ का बना लीजिएगा प्रोविडेंट फंड का, तो ये आ गए। और ये भी क्या होता है, ये होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये क्या होता है, ये होता है करंट लाइबिलिटीज, तो ये करंट लाइबिलिटी में डाल करके आगे बढ़िए। और फिर यहां पर क्या करना है आपको, एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग और यहां पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला दे देंगे। अगर बेसिक सैलरी है कितनी, 3000 रुपए, तो यहां पे 3000 रुपए का 10% कटेगा, परसेंटेज पे आएंगे और यहां दे देंगे 10%, और अदरवाइज 15% कटेगा, ठीक है। और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये पीएफ भी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर दूसरे मंथ का सैलरी आएगा तो यहाँ पे दूसरे मंथ को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही मंथ का करते हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय नंबर आएगा, डेजिग्नेशन की एम्प्लॉय काम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अकाउंटेंट, तो यहाँ पे अकाउंटेंट डाल दिया। फंक्शन इनका अकाउंट्स का ही है, अकाउंट्स का काम ये देखते हैं, तो अकाउंट्स लिख दिया। यहाँ पर लोकेशन इनकी देवरिया है, तो यहाँ पे देवरिया ही डाल देंगे। और बाकी जेंडर इनका मेल है, तो यहाँ मेल लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। यहाँ पर इनका पैन नंबर आएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर, और यहाँ पे पीएफ का अकाउंट नंबर आएगा, और एंटर करते 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 इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एब्सेंट कितने दिन रहे, जैसे मान लीजिए कि 7 दिन ये एब्सेंट रहे महीने में, तो 7 दिन की सैलरी इनको नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से अदर वाउचर पे जाएंगे और चलेंगे कहां, पेरोल पर। तो पेरोल पर आ गए, अब हमें एसबीआई बैंक से इनको पैसा देना है और हमें दुर्गेश की सैलरी देनी है, तो यहां से ऑटोफिल पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है, पेरोल ऑटोफिल आ जाता है, और यहां से हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है इनको, तो ये सैलरी दे दिया। अब यहां पे 30 वाला डेट नहीं सपोर्ट करता है, मैं कई बार ये बता चुका हूं, यहां पे इस बार 2 कर लेता हूं, 2/5/2022, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से क्या करना है, दुर्गेश को सैलरी प्रोवाइड करनी है, दुर्गेश का नेम डाल दीजिए, एम्प्लॉय नेम के बेस पे आएगा और ये एसबीआई से डिडक्ट होगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से कट करके, ये देखिए पीएफ कितना कटा हुआ है, कुल मिला के 607 रुपए 26 पैसे पीएफ कटा हुआ है, ठीक है। तो 607 रुपए 26 पैसे पीएफ कट गया, डीए इनको मिला 41 रुपए और 194 रुपए इनको जो है टीए मिला, 194 रुपए 89 पैसे, ठीक है। तो कुल मिला के सैलरी कितनी बनी, ये तो आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से ये होता है, ये मैंने कर दिया। अब इसको आपको एक्सेप्ट कराना होगा, इस तरीके से करके एक्सेप्ट करा लीजिए, और एक्सेप्ट होते ही जब इसका पे स्लिप देखेंगे आप, तो पे स्लिप के लिए आपको कहां जाना होगा, पे स्लिप के लिए आपको जाना होगा यहां पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। तो यहां पर आइएगा और यहां पर आप देखेंगे नीचे आपको मिलेगा पेरोल रिपोर्ट, तो पेरोल रिपोर्ट पे चलिएगा, पे स्लिप पे आइएगा, और यहां से दुर्गेश की पे स्लिप देखनी है, तो ये दुर्गेश की पे स्लिप है, प्रिंट करवाने के लिए अल्ट पी करके एंटर करिएगा, आई बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये यहां पर दुर्गेश की पे स्लिप जनरेट हो चुकी है, जिसमें सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी 5000 थी, एब्सेंट हुए जिसके चलते सैलरी कटी, सारी चीजें आ गई। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।